यश बाबू न्यूज, खबरें सुपर फास्ट। यश बाबू न्यूज। विधायक राम कुमार कश्यप ने बताया कि इंद्री विधानसभा क्षेत्र के लोगों की समस्याओं का समाधान करने के लिए सिंचाई विभाग विश्राम गृह इंद्री में जन सुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया। विधायक के समक्ष जन सुनवाई कार्यक्रम में स्थानांतरण, बुढ़ापा, विधवा, निराश्रित, पेंशन लगवाने, बीपीएल कार्ड बनवाने, गलियां, नालियां, पेयजल, बिजली आदि से संबंधित समस्याएं रखी। इन समस्याओं के अलावा सबसे ज्यादा युवाओं ने रोजगार से संबंधित अपनी समस्याएं रखी। युवाओं ने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में बनी सरकार में भ्रष्टाचार पर अंकुश लगा है और योग्यता के आधार पर युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवाया जा रहा है। उन्होंने युवाओं का आह्वान किया कि वे अधिक से अधिक स्वरोजगार को अपनाने का प्रयास करें और स्वरोजगार के माध्यम से अपने साथ साथ दूसरे लोगों का भी रोजगार उपलब्ध करवा सकते हैं। उन्होंने बताया कि युवाओं को स्वरोजगार शुरू करने के लिए बैंकों द्वारा सस्ती ब्याज दरों पर ऋण भी उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। विधायक ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल का यही प्रयास है कि ज्यादा से ज्यादा उद्योग धंधे प्रदेश में स्थापित किए जाएं ताकि बेरोजगार युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार उपलब्ध करवाया जा सके। उन्होंने नशे पर बोलते हुए कहा कि प्रदेश सरकार नशे को रोकने के लिए प्रयास कर रही है। उन्होंने युवाओं व स्कूली बच्चों से अपील की है कि वे पढ़ाई में अपना मन लगाएं, अपना जीवन अंधकारमय होने से बचाएं। नशा हमारे शरीर को अंदर से खोखला बना देता है जिसकी वजह से हमारा मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। उन्होंने पूरे समाज से अनुरोध किया कि वे नशा जैसी भयावह बीमारी को समाज से जड़ मूल से समाप्त करने में अपना पूरा योगदान दें। पक्की रोजगार की है देखिएगा सरकार, अब जो कोरोना की वजह से और बेरोजगारी, जैसे कोई गुड़गावा लग रहा था, फरीदाबाद लग रहा था, वो सारे छोड़ के आ गए हैं। तो क्योंकि ये कोरोना ने सभी को डरा दिया है तो सभी अभी वो भी मतलब जो वहाँ छोड़ करके आए हैं वो भी अब नौकरी मांगने चल रहे हैं, तो भी एक मतलब मुख्य कारण है। तो बाकी सरकार का प्रयास रहेगा कमीशन के माध्यम से या वजह से भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिले। बाकी प्रयास ज़्यादा ये रहेगा भी लोग जो है रोजगार अगर रोज अपने पैरों में खड़े होना चाहते हैं तो वो एकमात्र साधन अल्टरनेट ये रहेगा भी वो अपनी को ट्रेनिंग लेकर डिपार्टमेंट से डायरी की या फिशरी की, तो बैंकों से अपना पैसा लेकर के लोन लेकर के अपना अपना कारोबार चलाएंगे तो उसमें ज़्यादा मतलब उसको रोज़गार मिलने के जल्दी मिलने के उसमें अवसर होंगे। नहीं ठीक है, वो आपकी बात ठीक है, सरकार का प्रयास है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रयास है कि ज़्यादा से ज़्यादा कंपनियां हमारे हरियाणा में आए, इन्वेस्ट करें। जब इन्वेस्ट करेंगे वो तो नेचुरल है, रोज़गार बढ़ेगा, युवाओं को रोज़गार मिलेगा और मल्टीप्लायर रोज़गार मिलेगा। एक आदमी की इनकम जो है दूसरे एक आदमी खर्चा दूसरे की इनकम हो जाती है। जैसे फैक्ट्री लगेगी, रोज़गार मिलेंगे, वो उनको पैसा मिलेगा, वो किराने की दुकान पर किराना खरीदेंगे, अपना कपड़े खरीदेंगे, बच्चों को पुस्तकें खरीदेंगे, आगे उनकी और कोई मोटरसाइकिल खरीदेगा तो वो जो उनके पास पैसा आएगा तो खर्च करेंगे, तो उनका खर्चा दूसरे की इनकम बन जाएगी। तो इस प्रकार से वो धीरे धीरे हमारी जो इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ती जाएगी उससे रोज़गार और बढ़ने का बड़े चांसेस हो जाते हैं। इस प्रकार से रोज़गार बढ़ सकते हैं, सरकार का बड़ा प्रयास है। हमारे युवा जो हैं थोड़ा नशे की तरफ उनका बढ़ावा हो रहा है तो इसको रोकने के लिए सरकार का बड़ा प्रयास है। पहले सेल भी बनाए हैं, इसके स्पेशल ड्यूटी भी लगाई है पुलिस की तरफ से, प्रशासन की तरफ से भी नशा को रोका जाए। और जैसे आज ये नशा दिवस है उसको करने का, तो मेरा प्रयास रहेगा, मैं भी आज जो हमारा पुलिस डिपार्टमेंट है, SDM साहब हैं, उनको दिशा निर्देश दे करके आज थोड़ा इस पर काम करने का शुरू करेंगे भी, ताकि जो नशे में हमारे युवा बच्चे लगे हुए हैं वो उससे उनकी लत छूटे और वो अपने अच्छी राष्ट्र के निर्माण में, प्रदेश के निर्माण में अपनी अहम भूमिका निभाएं और उधर से वो छुटकारा मिले। इसके लिए एक मूवमेंट चलाने का काम करेंगे। यश बाबू न्यूज, खबरें सुपर फास्ट। यश बाबू न्यूज।